नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकारें और बीएमसी, टीएमसी, केडीएमसी प्रशासन मुंबई में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन इस दौरान बीएमसी के हद में आने वाले 408 लोग कोरोना से जंग जीत कर सकुशल अपने घर भी जा चुके हैं। चाहे टीएमसी हो या बीएमसी या फिर केडीएमसी, अपने अपने स्तर पर कोरोना मरीजों की इलाज के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देख एक बार फिर कल्याण लोकसभा क्षेत्र के खासदार श्रीकांत शिंदे आगे आए हैं और कल्याण डोंबोवली के अंतर्गत कोविड-19 यानी कोरोना का टेस्ट लैब खोलने की मांग की है, क्योंकि मरीजों की संख्या ज़्यादा सामने आ रही है और लैब गिनती के खुले हुए हैं, जिसके चलते लोगों की रिपोर्ट आने में देरी हो रही है और खास करके गरीब तबके के लोगों को मुफ्त में जो है टेस्ट हो, उनकी जांच हो, इसके लिए कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में ये लैब को जल्द से जल्द खोलने की मांग श्रीकांत शिंदे ने की है। ये तस्वीर है जिला अधिकारी से मीटिंग के दौरान की और उसके बाद जिला अधिकारी राजेश नार्वेकर ने निधि मंजूर किया है, जल्द से जल्द लैब खुलेंगे। सुनिए इस दौरान खासदार श्रीकांत शिंदे ने किस तरह से आभार व्यक्त किया है। जिथे कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रामध्ये हे कोरोनाचे रुग्ण वाढत चाललेले आहेत, त्यासाठी ह्या कल्याण डोंबिवलीमध्ये स्वतंत्र अशी एक लॅब झाली पाहिजे, उभी राहिली पाहिजे, जेणेकरून जे स्वॅब आपण घेतो आज कल्याण डोंबिवली पालिकेतील संशयित रुग्णांकडून किंवा जे जे आपल्याला सस्पेक्ट वाटतात, तर ते स्वॅब जे आहेत ते जे जे किंवा केईएमला आपल्याला पाठवावे लागतात आणि तिथून येण्यासाठी थोडा उशीर होतो, पण त्याचबरोबर त्याही लॅब्सवरची जी लोड जो आहे तो वाढत चाललेला आहे। तर ह्या दृष्टीने कल्याण डोंबिवलीमध्येही स्वतंत्र लॅब असली पाहिजे यासाठी आम्ही प्रयत्न करत होतो। पालकमंत्र्यांच्याही कानावरती आम्ही ह्या गोष्टी टाकल्या। आज कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे कमिशनर आहेत सूर्यवंशीजी, त्यांनीही प्रस्ताव तयार केलेला आहे की एक कल्याण डोंबिवलीसाठी लॅब असली पाहिजे, तर त्याच अनुषंगाने आज कलेक्टर नार्वेकर साहेबांशी आज भेटलो, त्यांना या सगळ्या गोष्टी समजून सांगितल्या आणि त्यांनी जो निधी हा लॅबसाठी लॅब उभं करण्यासाठी लागेल तो निधी देण्याचं कबूल जे आहे ते आज जिल्हाधिकारी नार्वेकर साहेबांनी केलेलं आहे। तर आपल्या सगळ्यांना सांगू इच्छितो की येणाऱ्या काळामध्ये लवकरात लवकर सर्व परमिशन्स घेऊन ही लॅबची उभारणी केली जाईल आणि जास्तीत जास्त टेस्टिंग जे आहे ते आपल्या कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रामध्ये झाले पाहिजेल असा आमचा सगळ्यांचा प्रयत्न आहे। म्हणूनच स्वतंत्र लॅब जी आहे या कल्याण डोंबिवलीसाठी लवकरात लवकर व्हावी यासाठी आम्ही सगळेजण प्रयत्न। तो आपने सुना, कल्याण लोकसभा क्षेत्र के खासदार श्रीकांत शिंदे ने कोविड-19 का टेस्ट लैब की मांग की थी, जो तत्काल मंजूर भी की गई है। फिलहाल कल्याण डोंबिवली के बीच लैब बनेगी ताकि जो रिपोर्ट आने में देरी होती है वो जल्दी आएंगे और गरीब तबके के लोगों को फ्री में टेस्ट हो सकेगा और समय रहते कोरोना पेशेंट की इलाज हो सकेगा। ये एक बड़ी सराहनीय कदम है श्रीकांत शिंदे की। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।